केंद्र सरकार के पास किसी भी आर्थिक संकट से जूझने के लिए ज्यादा साधन मुहैया होते हैं, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, क्रेडिट फैसिलिटीज हो। इस तरह की फंड रेजिंग, इस तरह का पैसा राज्य सरकारों के पास नहीं होता है और इसीलिए जरूरी है कि उनको इस समय ये पैसा मुहैया कराया जाए। दो और तीन तरीके हैं जिससे कराया जा सकता है। सबसे पहले तो जो जीएसटी का मुआवजा बकाया है, करीब 48,000 करोड़ रुपए मुआवजा बकाया था और सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों ने ही नहीं, भाजपा शासित प्रदेशों ने भी लिखकर ये मांग करी है कि ये पैसा उनको दिया जाए। केवल 6,000 करोड़ रुपए इसमें से दिए गए। दूसरा, उनको न्यूनतम जीरो शून्य ब्याज दर पर लोन मुहैया कराए जाएं। आरबीआई ने 30% वेज एंड मीर एडवांसेस के थ्रू फैसिलिटी बढ़ाई है, लेकिन ये बहुत ऊंचे ब्याज दर का ऋण है जो शायद राज्य सरकारें नहीं ले पाएंगी। और तीसरा सबसे जरूरी मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा मुहैया कराए, एक बड़े पैकेज की घोषणा करे। हमारी मांग है कि 1,00,000 करोड़ के एक पैकेज की घोषणा करे, जीएसटी का पैसा मुहैया कराए, जो मुआवजा है बकाया वो दे और न्यूनतम दर पे लोन दिलाने की कोशिश करें। इसी तरह से राज्य सरकारें जो हैं वो बड़े बड़े कदम उठा पाएंगी और आगे की लड़ाई कोरोना से, क्योंकि उन्हीं को लड़नी है, उन्हीं के स्तर पे लड़ी जानी है, जीत पाएंगी।